हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेडिसिन नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं रामेश शरीफ आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको डेली बेसिस पे न्यू वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं एक सॉल्ट जिसका नाम है डाइमिथाइल फ्यूमिरेट। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक वीडियो है जो कि आपको ज़रूर समझनी चाहिए। हालांकि ये रेयर डिजीज़ होती है, लेकिन इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरह की बीमारी है जो कि आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा इसके बारे में। इसीलिए ये रेयर बीमारी है तो इसकी मेडिसिन भी बहुत ही कम कंपनीज बनाती हैं, तो इसलिए दो दो तीन चार पांच जो कंपनी है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये मिलती हैं और इस बीमारी होती कैसी है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। दोस्तों ये जो डाइमिथाइल फ्यूमरेट है ये यूज़ किया जाता है मल्टीपल स्क्लोरोसिस डिजीज में, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मल्टीपल स्क्लोरोसिस जो ये डिजीज है ये होती क्यों है, ये अगर हो जाती है तो पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते हैं, मेडिसिन के बारे में बताते हैं, कॉस्मेटिक्स के बारे में बताते हैं, ताकि आपकी नॉलेज जरूर बढ़ जाए। दोस्तों अगर आप पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनाएंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके यूजेस बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इस सॉल्ट के, और इसके एमआरपी क्या रहेगी। जो जो आपको इस ये कैप्सूल मिलेगा, कैप्सूल की फॉर्म में आता है ये सॉल्ट, तो किस तरह की एमआरपी होगी, तो सारी चीज़ इसमें वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं डाइमिथाइल फ्यूमरेट 120 मिलीग्राम टैबलेट सॉरी कैप्सूल की। दोस्तों ये 120 मिलीग्राम टैबलेट सॉरी सॉल्ट है, कैप्सूल है। आगे आपको 240 भी आता है इसका, वो भी बताएंगे। एक्चुअली ये सीरीज ऑफ आपका एक सीरीज चलती है कैप्सूल की, पहले चलती मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज में पहले 120 mg चलती है, फिर 240 mg भी चलती है। तो इस तरह से ये कैप्सूल चलते हैं, एक ये पूरी थेरेपी चलती है जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी होती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो डाइमिथाइल फ्यूमरेट है इसे यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के रिलैप्सिंग फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके साथ साथ क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम, रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिजीज और एक्टिव सेकेंडरी प्रोग्रेसिव डिजीज। तो ये देख आपको नाम सुन के लग रहा हो कितनी ये हैवी बीमारी है, तो ये सारी जो बीमारी होती हैं ये रेयर होती हैं, इसलिए अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो हर 100 पेशेंट में से आपको 3 से 4-5 मैक्सिमम पेशेंट मिलेंगे जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी होती है। दोस्तों ये जो हमने कुछ बीमारी बताई, ये मेडिसिन जो है ये प्रॉपर क्योर नहीं होता मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, तो इसलिए, लेकिन हाँ ये कहीं हद तक ये बीमारी को ख़त्म करने का काम करती है। ये मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, इम्यून सिस्टम के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, नर्व डैमेज होने से बचाती है ये मेडिसिन। और भी कई तरह की जो कंडीशन आती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ में, फर्दर जो वर्स्ट हो जाते हैं उन सबको ये जो मेडिसिन है डाइमिथाइल फ्यूमरेट सॉल्ट है 120 मिलीग्राम कैप्सूल है ये उससे सबसे पेशेंट को बचाने का काम करता है। दोस्तों ये मेडिसिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। पहली बात तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको है या नहीं, तो ये सारी चीज़ रिपोर्ट से ही पता चलती है डॉक्टर को, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे ये जो मेडिसिन है वो आपको रिकमेंड कर दें। दोस्तों आपका जो ब्लड टेस्ट है या यूरिन टेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, उससे पता चलता है कि आपको ये किस तरह की बीमारी है। तो ये सारी न्यूरोलॉजिस्ट की ही एक तरह की डिजीज़ होती हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ही पहचान पाता है ये इस तरह की बीमारी होती है। डोज देखिए, डोज जो होगी वो टोटली डिपेंड होगी पर्सन टू पर्सन पे, पेशेंट टू पेशेंट पे डिपेंड होगी किस तरह का उसका, किस लेवल का उसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है उस किस लेवल की है, ये तो ये सारी डिपेंड होती है उसकी डोज उसकी कंडीशन पे, तो डोज उसके हिसाब से दी जाती है। दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें हम, तो देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे फ्लशिंग, एब्डोमिनल पेन हो गया, पेट में दर्द हो सकता है आपके, डायरिया नोजिया भी देखने को मिल सकता है आपको। इससे ज़्यादा कुछ अगर आपको देखने को मिले इसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर सलाह करें, या फिर इन जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये अगर फर्दर ज़्यादा परेशानी देने लगे तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि वो आपको फर्दर कुछ प्रिवेंट बता सकें, ट्रीटमेंट बता सकें, इससे प्रिवेंट
करने के लिए वो आप देख सकते हैं। दोस्तों अपने डॉक्टर की को पहले कोई अगर बता दें कोई बीमारी हो या कोई एलर्जी है किसी मेडिसिन से तो ये बता के चलें ताकि वो आपका प्रॉपर जो इलाज है आपका प्रॉपर इलाज कर सकें और उन्हें भी आगे परेशानी ना हो और आपका भी पूरा इलाज हो सके। दोस्तों अगर प्रेग्नेंट वूमन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो उन्हें कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि बेबी पर हार्मफुल इफेक्ट ज़रूर पड़ सकता है, तो ये अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें, ज़रूर पहले ही बता। दोस्तों अगर डीप नॉलेज की बात करें थोड़ी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है ये होती क्या है। देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये ऐसी बीमारी होती है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है और आप जानते ही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी चीज़ होती है हमारी बॉडी में जो कि पूरी बॉडी को फंक्शन करती है, पूरी बॉडी में जो है बताती है कि किसको क्या काम करने की ज़रूरत है, तो ये उसी चीज़ को अफेक्ट कर देती है। इसमें क्या होता है हमारे जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है प्रोटेक्टिव शीत पे। किसकी प्रोटेक्टिव शीत? जो कि एक नर्व की होती है जिसे माइलिन कहते हैं। तो जब हमारी खुद की जो नर्व जो माइलिन पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद जो उसकी ऊपर की जो आउटर लेयर होती है उस पर अटैक होता है जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये मेडिसिन उसी को ही जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसी को ही ये सप्रेस करने का काम करती है। देखिए जब ये चीज हो जाएगी फिर क्या होता है पर्सन में जो पेशेंट होता है उसकी विजन लॉस हो जाती है, उसे दिखना बंद हो जाता है, पेन होगा उसकी बॉडी में बुरी तरीके से, फटीक होगा या इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, उसे पता नहीं होगा मुझे अब क्या करना है, मतलब कि जैसे अगर हाथ उठाएंगे तो उसे पता ही नहीं होगा क्या उठ करना है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन होगा बॉडी से माइंड से वो उसका प्रॉपर नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा, तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है। दोस्तों ये कैप्सूल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, जो कि हमने बताया जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करने लगता है तो उस इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस मतलब दबा देता है, वो खुद को खुद की माइलिन शीत को अटैक नहीं करता जिससे कि हमारा ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की यही बीमारी होती है जो हमने आपको बताया। चलिए एमआरपी की बात कर लेते हैं। देखिए कुछ गिनी चुनी कंपनी होती हैं जो ये डाइमिथाइल फ्यूमरेट देती हैं। पहले इसमें अगर बात करें MS-120 कैप्सूल होता है, DR फॉर्म में होता है, DR मतलब डिलेड रिलीज होता है। तो ये MS-120 कैप्सूल जो कि MSN फार्मा या MSN लेबोरेटरीज की तरफ से देखने को मिलता है, 14 कैप्सूल आपको 1625 रुपए के मिल जाएंगे मार्केट में। और आपको दूसरा स्क्लेरिफ्यूमा होता है जो कि सन फार्मास्यूटिकल की तरफ से आता है, इसमें आपको 10 कैप्सूल मिलेंगे जो कि 307 रुपए की MRP पे मिलते हैं। तो ये पूरा कोर्स 14 कैप्सूल का भी होता है, मतलब एक स्ट्रिप में 14 कैप्सूल आते हैं जो कि MSN की तरफ से आते हैं, सन फार्मा की तरफ से आपको स्क्लेरिफ्यूमा में 10 कैप्सूल्स मिलेंगे। तो ये पूरा कोर्स आपको करना होता है। इसके बाद 240 mg भी चल है सेम सॉल्ट में। तो ये सारी डिपेंड होती है पर्सन की कंडीशन कैसी है, तो आप ये देख सकते हैं। हालांकि ये हम रिकमेंड नहीं करते आपको यहाँ पे कि आप कोई सी मेडिसिन ले डायरेक्ट, आप ज़रूर कंसल्ट करें, हम यहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉलेज देते हैं जो कि हमसे प्रोवाइड जितनी हमारे से हो सकती है हम आपको वीडियो में बताते हैं मेडिसिंस के बारे में, उसकी यूजेस बेनिफिट्स साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, बीमारी के बारे में हम आपको इस वीडियो में और जो आगे भी वीडियो आएंगी सब में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और उसे ऑल पे कर दीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।